हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे टाटा स्काई का जो सेट टॉप बॉक्स है, डिश है, उसको कैसे सेटअप करना है। देखिए, मेरा ये सेट टॉप बॉक्स पहले से सेटअप है, लेकिन इसके साइड में पेड़ आने की वजह से इसका सिग्नल सही से नहीं आ रहा है, और हम आपको इसको रीलोकेट मतलब पोजीशन चेंज करके बिठा के आपको दिखाएंगे कैसे इसको करना है। ये बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ चीज़ों के ध्यान रखना है, उसके बाद आप खुद ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो वायर है उसको हमने खोल निकाल दिया, तो निकाल लेने के बाद हम इसको रिलोकेट करके उसी कॉर्नर में बिठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बिठा लेते हैं। सबसे पहले हम इसका वायर निकाल लेते हैं, तो वायर थोड़ा हार्डी है, तो हम इसका वायर निकाल लेने के बाद मैं आपको इसे या से इसको खोल लूँगा या से खोल लूँगा या से खोल के इस कॉर्नर में हम फिर से बिठाएंगे, और बिठाने के बाद आपको फिर से इसका सिग्नल लाके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी सेटअप कर रहे हैं, और सेटअप करने के लिए डिश का जो ऐसे पाइप मिलता है हम उसको डिश से निकाल लिए स्क्रू लूज करके। उसके बाद इसको हम 90 डिग्री एंगल को 90 डिग्री हम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक साइड का ड्रिल कर लिए, यहाँ पे हम इसे बिठा के इसको 90 डिग्री हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक कोने का बोल्ट फिक्स करके, हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं तो रुक रुक के आपको दिखा रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। तो चलिए हम इसको अभी 90 डिग्री में फिक्स करके आपको फिर से दिखाते हैं। तो हम अभी देख सकते हैं लेवल पाइप की मदद से हम इस साइड से अभी 90 डिग्री एंगल मेजर कर रहे हैं। तो 90 डिग्री जहाँ पे जाएगा इस साइड का बोल्ट हम वहीं पे फिक्स करेंगे, उस साइड का कोने वाला हमने कर लिया फिक्स, और इधर का भी रह गया, तो ये दोनों होने के बाद हम वो वाला करेंगे। तो अभी इसका पोजीशन जहाँ पे जहाँ तक लाने से 90 डिग्री होगा हम वहीं पे इसको फिक्स करेंगे। तो अब देख सकते हैं अभी 90 डिग्री करने के लिए हमें थोड़ा सा हटाना है। अभी देखिए पूरा स्पीड लेवल सेंटर में है, मतलब इसका पोजीशन यहीं पे सही है। तो चलिए पूरा फिक्स करके, और इस साइड होने के बाद हम इस साइड का आगे पीछे करके ऐसे पीछे से इसका 90 डिग्री मेजर करेंगे। तो इस लेग को इधर उधर करेंगे तो इसका हो जाएगा। तो दोनों वो स्पीड लेवल सेंटर में रख के इसको हम फिक्स करके आगे दिखाते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरा ये जो डिश एंटीना का स्टैंड है ये पूरा लग चुका है, और इसका वाटर लेवल भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए अब पूरा सेंटर में है, और इस साइड से भी दोनों साइड से हम आपको चेक करके बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी सेंटर में है वाटर लेवल। तो अभी इसका सेटअप हम करते हैं, बस इसको 90 डिग्री करना है, उसके बाद अपने आप ही सिग्नल आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या और एक सेटअप करना पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं। डिश को कितने डिग्री एंगल पे रखना है, तो आपका जो डिश है इसको रखना है 83 डिग्री ईस्ट पे रखना है। तो चलिए हमारा जो G30 है वो 83 डिग्री ईस्ट पे रहता है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे अभी प्लेस करते हैं 83 डिग्री एंगल पे हम प्लेस करके फिर इसको इधर उधर ऊपर नीचे करेंगे तो सिग्नल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पहले 80 डिग्री में हम बिठा के इसको 80 डिग्री में इसको लॉक कर देंगे, फिर ऊपर नीचे करेंगे सिग्नल का स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा करने के लिए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा डिश अभी इसके ऊपर बैठ चुका है 90 डिग्री फिक्स करने के बाद। अभी इसको 83 डिग्री एंगल पे हमें सेट करना है, तो सेट करने के लिए आपके एक प्ले स्टोर से कंपास डाउनलोड कर लीजिए, और आपके फ़ोन में आप कर सकते हैं। तो कंपास डाउनलोड मैंने कर लिया पहले से, और करने के बाद देखिए अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका जो फ़ोन है इसका इसको जो साइड का जो भी बार है इसके भट ऐसे पैरेलल रख रहे हैं, और पैरेलल रखने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू। तो हम यहाँ पे अभी रख दिया, देखिए हमारा यहाँ पे 84 आ रहा है, 83-84 आ रहा है। तो आपको भी 83 डिग्री पे रखना सेट करना है, आपको 83 डिग्री पे सेट करना है। ठीक है, 83 देखिए हमारा अभी 83 डिग्री है पूरा 100 पर, तो 83 डिग्री का
करने के बाद आपको ये दो बोल्ट कस देना है। कस देने के बाद इसको ऊपर नीचे करेंगे तो सिग्नल आपको मिल जाएगा।